सम्मानित मंच से आग्रह है, युवा मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा है। आज आएंगे अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती के अवसर पर महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल दूसर गोरखपुर के श्रीराम सभागार में आयोजित व्याख्यान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि प्रोफेसर रामदेव शुक्ल जी, आप गोरखपुर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के आचार्य और अध्यक्ष के पद पर कार्यरत रहे हैं, वर्तमान में आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आपका हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान रहा है। आपके द्वारा हिंदी साहित्य की कोई ऐसी विधा नहीं है जिसमें आपने अपनी कलम न चलाई हो। आपके द्वारा 11 उपन्यास, 6 कहानी संग्रह, 8 आलोचना ग्रंथ, 2 दर्जन से अधिक ग्रंथों का संपादन कार्य और 60 से अधिक पुस्तकों में सह लेखन का कार्य किया है। आपके इस अतुलनीय योगदान के लिए आपको भारत विद्याभूषण कथाश्री सम्मान से, भारतेंदु सम्मान से, सेतु शिखर सम्मान से, श्रुति कीर्ति शिखर सम्मान से और साथ ही साथ भारत भारतीय शताब्दी सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, आप राजकीय महाविद्यालय कुशीनगर राजनीति शास्त्र विभाग में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हैं। इसके पूर्व आपने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र विभाग में देवरिया में, साथ ही साथ महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल दूसर में 2015 से लेकर के 2021 तक अध्यापन कार्य करते हुए महाविद्यालय की समस्त गतिविधियों में अपनी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की है। वर्तमान में आप यूपी पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के भारतीय इतिहास संकलन योजना के आप आजीवन सदस्य भी हैं। आपके द्वारा अमृतपुर शहर के विकास चिंतन पर जो राज पब्लिकेशन नई दिल्ली से प्रकाशित है, आपकी पुस्तक लिखी हुई है। साथ ही साथ आपने दर्जनों शोध पत्र और दर्जनों पुस्तकों में, अधिकतम पुस्तकों में आपने अध्यायों का लेखन कार्य किया है। सन 2021 में आपके द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखनीय योगदान देने हैं। आपको शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक सम्मान से नवाजा जा चुका है। ऐसे महान शख्सियत को हम अपने बीच पाकर आधारित हैं, महाविद्यालय परिवार गौरवान्वित है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय के उप प्राचार्य डॉक्टर विजय कुमार चौधरी जी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम संयोजक श्री सिद्धार्थ शुक्ल जी, सहायक आचार्य वाणिज्य विभाग महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल दूसर, मंचस्थ सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय डॉक्टर विजय चौधरी सर से आग्रह करता हूं कि आप स्मृति चिन्ह और उत्तरी देकर मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि का सम्मान करें। इसके उपरांत सरस्वती वंदना और स्वागत गीत के लिए महाविद्यालय की छात्राएं आमंत्रित हैं।
स्वागत की के लिए महाविद्यालय की छात्राएं। नव विहार विंदे को नव परी
इसके उपरांत मैं मंचस्थ मुख्य अतिथि प्रोफेसर रामदेव शुक्ल सर से विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि वह आए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जयंती के अवसर पर अपने उद्बोधन की गंगा से हम सभी को सिंचित करते हुए हम सभी का ज्ञान वर्धन करें। आदरणीय डॉक्टर कृष्ण कुमार सर मंचस्थ विशिष्ट अतिथि इसे आग्रह करूंगा कि वह मंच में आए और उक्त अवसर पर अपने उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करें हमारा ज्ञान वर्धन कर। डॉक्टर कृष्ण कुमार सर सभागार में उपस्थित मंच के विराजमान हम सभी के गुरुदेव प्रोफेसर राम सरस्वती कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रचार अजय कुमार चौधरी सर, कार्यक्रम का संचालन कर रहे साथी और संयोजन कर रहे शुक्ल जी और मेरे सामने बैठे हुए हमारे सभी प्राध्यापक बंद अनुजों को सादर प्रणाम और अभिवादन और छात्र छात्राओं को सादर स्नेह। आज अपने ही इस परिवार का हिस्सा रहते हुए कुछ दिनों बाद जब लौट करके आदमी आता है और जो खुशी की अनुभूति होती है वो अनुभूति हमें हो रही है। सामने कुछ ऐसे छात्र भी बैठे हुए हैं जिनको हमने अभी भी पढ़ाया हुआ है, अभी हम इतने पुराने नहीं हुए हैं, एनसीसी के कुछ छात्र तो वैसे सामने ही दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है कि इस महाविद्यालय में इस अवसर पर इतने महान और सम्मानित मंच के सामने और राष्ट्र को दशा और दिशा देने वाले लोगों के बारे में अपने विचार देने का जो निवेदन किया गया है इसका मैं सादर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दो अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में हम सभी के सामने एक राष्ट्रीय पर्व होता है, लेकिन कभी कभी उस 2 अक्टूबर के साथ में हमारे मानस पटल की विस्मृति कहिए या कुछ और, या हमें ऐसा बता दिया गया कि हमारे स्वतंत्रता के बाद के सबसे लोकतांत्रिक और लोकप्रिय प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम हम लोग कालांतर मतलब महात्मा गांधी के नाम के बाद जोड़ते हैं। ये बड़ा सौभाग्य है कि एक ही दिवस पर इन दोनों महान विभूतियों का जन्म हुआ। जहां तक मुझे बताया गया है, गुरुदेव इस पे महात्मा गांधी जी के जीवन पे व्यापक प्रकाश डालेंगे, हमें लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन पर कुछ वाक्य बोलने के लिए कहा गया है, लेकिन महात्मा गांधी के जीवन, उनके चरित्र और अपने कार्यों के प्रति निष्ठा, साधनों की पवित्रता और चरित्र की उत्कृष्टता को ये देश कभी भुला नहीं पाएगा। मात्र स्वतंत्रता आंदोलन में ही गांधी की भूमिका नहीं रही, गांधी जी की भूमिका उन सामाजिक आंदोलनों में भी है
उन जीवन शैली के भी आंदोलनों में है, दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में भी है। चाहे राम राज्य का या स्वराज का उनका सपना हो, या देश को राजनीतिक आर्थिक आजादी देने का सपना हो, या सामाजिक बंधनों से मुक्ति का सपना हो, ये देश कभी भुला नहीं पाएगा। गांधी जी के जीवन पर सर जब प्रकाश डालेंगे, मैं अपनी दृष्टि थोड़ा सा उस महान सपूत, हम लोग पढ़ते थे तो कहा जाता था कि धरती का लाल मेरे धरती का लाल, लाल बहादुर बहादुर लाल बेबिशा, ये एक कहावत के रूप में हम लोग को भी बताया जाता था। लेकिन यहाँ आने से पूर्व जब मुझे कहा गया कि लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डालना है, इतने महान व्यक्तित्व के बारे में हम लोगों ने बड़ा कम पढ़ा है, बहुत कम जाना है। अब ये व्यवस्था की विडंबना कहिए या हम लोगों का अपना व्यक्तिगत सोच कहिए कि लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन पर उतनी व्यापक स्तर पर साहित्य कृतियाँ, ऑडियो वीडियो तमाम चीज़ें नहीं उपलब्ध हैं। एम एल वर्मा की किताब है ललिता के आंसू, ललिता की पत्नी का नाम है लाल बहादुर शास्त्री जी के, और एक पुस्तक बियॉन्ड द लाइन कुलदीप नैयर की किताब, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जी के उन अनछुए पहलुओं को दिया गया है जिसे राष्ट्र के समस्त नागरिकों को जानना चाहिए। इतना विराट और व्यापक व्यक्तित्व जिसने समय की धारा के साथ एक सादगी संपन्न जीवन लेते हुए राष्ट्रीयता और राजनीति के का जो उच्चतम शिखर होता है उसे प्राप्त किया। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 1904 में होता है और गांधीवादी आंदोलन 1915 के बाद अपनी प्रखरता पर आता है, और 1921-22 में जब असहयोग आंदोलन चलाया जाता है तो लाल बहादुर शास्त्री जी उस आंदोलन में अपनी भूमिका अदा करने के लिए और गांधी जी को अपना गुरु मानते हुए 18 साल की उम्र में उस आंदोलन का हिस्सा बन जाते हैं। एक सामान्य व्यक्तित्व का असाधारण और असामान्य समर्पण, निष्ठा, आत्मबल और उसकी सोच, ये हम सभी भारतीयों के जनमानस में दिखाई देता है। अगर सामान्य जन इस भारत के लोकतंत्र के प्रतीक हैं तो उसका अगर सर्वोच्च शिखर माना जाएगा तो लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन में वो दिखाई देता है। हम जब पढ़ रहे थे कुछ चीज़ों को, मैं भी जल्दी जल्दी देखा, अभी कुछ चीज़ें पढ़ भी नहीं पाए हुए, कुछ ऐसी घटनाएं उनके जीवन की हैं जो आज हमें बड़ा लगेगा कि अरे कैसा जीवन था ये, और ऐसे जीवन के लोग भी ऐसी सोच रखते हैं, और यही कारण था कि इस भारत का आम आदमी स्वतंत्रता के बाद भी उनसे अपने आप को हमेशा कनेक्ट करके देखता है। एक साधारण सा गरीब परिवार जिसे आर्थिक रूप से हम गरीब कह सकते हैं, और कोई गरीबी नहीं, जब वो बनारस में काशी विद्यापीठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वहीं से उनके स्नातक की शिक्षा होती है, उससे पहले उनका नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव था, लेकिन श्रीवास्तव टाइटल को उन्होंने हटा दिया था क्योंकि उनका ये था कि ये जात पात की सूचकता को प्रदर्शित करता है। बाद में जब वो निष्णात होते हैं स्नातक में तो उन्हें शास्त्री की भी उपाधि मिल जाती है, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जितने भी गतिविधियाँ हो रही थी उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी का व्यापक योगदान रहा। एक घटना है कि सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, लाला लाजपत राय की एक संस्था बनाई गई थी, उसमें लोग सब लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते थे, उसमें जो गतिविधियां अंग्रेजों के खिलाफ चलाई जाती थी तो
कई लोगों को जेल में डाल दिया जाता था, कुछ लोगों को उसमें सेवा करने का मौका मिलता था और उनके सेवा के बदले उनके परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी लेती थी, बहुत मामूली खर्च देती थी ताकि उनका परिवार चलता रहे। 50 रुपये डिसाइड हुए थे गांधी जी के परिवार को देने के लिए, गांधी जी चूंकि सॉरी लाल बहादुर शास्त्री जी के परिवार को देने के लिए। 50 रुपये में परिवार के लोगों को चलाना था और एक बार इन्होंने पत्र लिखा अपनी पत्नी को, ललिता जी के नाम लिखा, कि क्या समय से पैसे आ जा रहे हैं और पैसे आ रहे हैं तो क्या उसमें काम चल जा रहा है। तो उन्होंने लिखा हाँ काम चल जा रहा है, और 50 नहीं हम तो 40 रुपये में ही काम चला ले रहे हैं, 10 रुपये तो मैं बचा भी लेती हूँ। लाला लाजपत राय को आपने सेवन ऑफ इंडिया सोसाइटी को लाल बहादुर शास्त्री ने फिर पत्र लिखा कि ऐसा है कि हमारी पत्नी 40 रुपये में ही काम चला ले रही है, ये 10 रुपया जो बच रहा है ये देने की जरूरत वहाँ पर नहीं है, ये कहीं और अटैच कर दीजिए जहाँ के जरूरतमंद की जरूरत है। कुछ घटनाओं का मैं उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि आपको हमें लगे कि कैसा साधारण सा जीवन कितना असाधारण कार्य कर सकता है। दूसरी घटना, घटनाएं तो बहुत हैं लेकिन 4-5 घटनाओं का मैं उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि प्रासंगिकता हमें पता चले। प्रधानमंत्री बनने के बाद, सॉरी प्रधानमंत्री से पहले मानते हैं कि मंत्री जब होते हैं तो सेंट कोलंबस स्कूल में उनके बच्चे पढ़ने जाते थे और वहाँ के जो गृह सचिव थे उनके भी बच्चे पढ़ने जाते थे, तो गृह सचिव के बच्चे फोर व्हीलर से जाते थे, चारपहिया से जाते थे, इनके बच्चे तांगे से जाते थे। तो बच्चों ने बड़ा जिद किया कि आपके अधिकारियों के बच्चे फोर व्हीलर से जा रहे हैं, हम लोग को नहीं जा सकते, आप उनके बॉस हैं, गृहमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि तुम गृहमंत्री के बेटे नहीं हो, तुम लाल बहादुर शास्त्री के बेटे। ये संस्कार बच्चों के अंदर, ये संस्कार कोई दिखावा नहीं था, वो उनके जीवन का अस्थायी हिस्सा था। प्रधानमंत्री बनने के बाद बच्चों ने जिद किया कि फोर व्हीलर कार ले ली जाए, इतना आप प्रधानमंत्री हो चुके हैं, हम लोग कहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने बड़ी जिद के बाद, बच्चों की जिद को रखते हुए, पंजाब नेशनल बैंक से 5,000 का लोन लिया, 12,000 की कार थी, कुछ बचा हुआ था, 5,000 का लोन लेकर के कार लिया ईएमआई पर, क्योंकि इससे पहले घटना हुई थी कि प्रधानमंत्री की कार को उनके बेटे अनिल शास्त्री और सुनील शास्त्री, वो बेटे ने अपने संस्मरण में लिखा है, बताया हुआ है कि वो प्रधानमंत्री की कार, कभी प्रधानमंत्री की कार को उन्होंने लेके वो लेके चले गए और प्रधानमंत्री को जानकारी नहीं थी, जब वो आए तो शास्त्री जी को जानकारी हुई, तो उन्होंने कहा कि तुम कार लेके कहाँ गए थे, बताया कि हम चले गए थे घूमने के लिए दोस्तों के साथ, कार 14 किलोमीटर के आसपास चली। उन्होंने ड्राइवर को बुलाया, कहा कि लाओ रखते हो गाड़ी में, कहा देखो तो उस दिन कार कितनी चली है, तो 14 किलोमीटर चली। उन्होंने कहा ये जो पैसा है तेल का ये हमारे अकाउंट से जाएगा, ये सरकारी खर्च में नहीं जाएगा। बहुत सी ऐसी कहानियां मैं इन दृष्टांतों का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि आज का उपभोक्तावादी समाज, 542 मिनिस्टर अगर हमारे संसद में चुने गए हैं तो एडीआर की रिपोर्ट है 2019 की कि 475 उसमें करोड़पति विधायक और सांसद। करोड़पति का मतलब कि करोड़ से शुरू होता है, पता नहीं वो करोड़ हजार करोड़ है कि 500 करोड़ है, उसकी लिमिट नहीं है। और जब शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी, आई पेपर में दिखाया हुआ है कि 365 रुपये उनके अकाउंट में थे, और वो जो कार उन्होंने ईएमआई पे लिया था 5,000 का, चूंकि उनकी डेथ हो गई तो इंदिरा गांधी ने कहा कि जो प्रधानमंत्री बने कि ठीक है वो ये लोन माफ कर देते हैं। ललिता शास्त्री ने मना कर दिया, कहा नहीं वो हमारे पेंशन से कट के जाएगा लेकिन कोई माफ करने की जरूरत नहीं। लेकिन विडंबना देखिए, इस राष्ट्र ने कुछ ऐसे सपूतों को जन्म दिया है लेकिन उनकी कहानियां, उनके किस्से, उनके कार्य अभी भी अनसुलझे से हैं। उनकी मौत कैसे हुई, चाहे सुभाष चंद्र बोस को ले लीजिए,
और खास करके लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन पर का जो आज प्रकाश डाल रहे हैं। हम एक ऐसा राष्ट्र प्रधानमंत्री जो इतने बड़े स्वतंत्र भारत के लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है, उसके मृत्यु का रहस्य अभी भी बना हुआ है। कद काठी में छोटे थे, 5 फीट 2 इंच की लंबाई थी, सामान्य लंबाई थी, बहुत छोटी लंबाई थी, लेकिन असाधारण कद था उनके जीवटता का और आत्मविश्वास का। एक घटना बता रहे हैं कि ये 1965 का जो युद्ध हुआ, 1962 के युद्ध में भारत चीन से परास्त हो चुका था, काफी गोला बारूद खत्म हो चुका था और पाकिस्तान को यह सूझा कि भारत तो इस समय कमजोर है, चलो अटैक कर देते हैं 65 के समय। और 64 में चूंकि नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी, मई 1964 में मृत्यु होती है, उसके बाद कुछ दिन के लिए गुलजारीलाल नंदा जी कार्यभार प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके बाद 9 जून को शायद शपथ लेते हैं 1964 को शास्त्री जी। तो अयूब खान उस समय जो जनरल भी रहे थे और राष्ट्रपति थे उस समय अमेरिका सब पाकिस्तान के, उन्होंने कहा यह साधारण कद काठी का आदमी 5 फीट 2 इंच का, वो चूंकि 6 फुट 2 इंच का था अयूब खान, और वो उसके अंदर थोड़ा सा गुरूर भी होता है, दूसरी चीज है कि उनका अपना कल्चर था गांधी शास्त्री जी के व्यक्तित्व में और उनके व्यक्तित्व में जमीन आसमान का अंतर था। कहा कि ये साधारण कद काठी का आदमी और भारत अभी जूझ रहा है चीन की लड़ाई से, आर्टिलरी खत्म है, इसी समय अटैक करने की जरूरत है, क्योंकि ये नेतृत्व जो है ये भारत को बचा नहीं पाएगा और हम कश्मीर वगैरह अपना जो हमारा टारगेट है कंप्लीट कर लेंगे। कच्छ के रण में कंजरकोट इलाका है, वहां से हमला शुरू होता है गुजरात में और सेना आगे बढ़ जाती है पाकिस्तान की, फिर उसी पर निगोशिएशन होता है, वार्ता होती है, सेना वहां रुक जाती है कुछ आगे बढ़ करके कुछ एरिया को। बाद में अगस्त में पूरी तैयारी से वो फिर कश्मीर के इलाके में हमला करते हैं, क्योंकि उन्हें अब लगने लगा था कि यहाँ का नेतृत्व तो कमजोर है और भारत की स्थिति सामरिक रूप से बहुत अच्छी नहीं है, ये बहुत बेहतर समय है पाकिस्तान को बोल के लिए कि वो कश्मीर वगैरह को या उन हिस्सों को अपने आप में मिला दे। और क्या एक स्टेटमेंट है शास्त्री जी का रामलीला मैदान में जो उन्होंने कहा, और इस लड़ाई में व्यापक संघर्ष होता है लेकिन भारत की सेना सिर्फ मुंहतोड़ जवाब नहीं देती है बल्कि दूसरे रास्ते से वो लाहौर तक पहुंच जाती है। अगर कुछ दिन और रुक गया होता तो शायद लाहौर हमारा हिस्सा होता 1965 का। और ये जीत एक जगह मजाक के लहजे में शास्त्री जी ने रामलीला मैदान में कहा कि अयूब खान जी ये मान के चल रहे थे कि चलो टैंक लेके चलते हैं और दिल्ली ढल के आते हैं, तो हमने कहा कि आप क्यों इतना कष्ट करेंगे, हम आ जा रहे हैं लाहौर तक, हम ही ढल के आ जा रहे हैं। और वास्तव में लोग बता रहे थे कि कुछ दिन अगर युद्ध चल गया होता तो लाहौर का हिस्सा और लाहौर तक की सेना पहुंच गई थी, लेकिन उस समय शीत युद्ध का दौर था, अमेरिका और यूएसएसआर दोनों लड़ रहे थे और दोनों को अपने हेजमेनी स्थापित करनी थी, आधिपत्य स्थापित करना था। अंत में कोसिजिन ने जो सोवियत संघ के प्रधानमंत्री थे और इधर अमेरिका ने दबाव के बाद युद्ध को रोका और फिर समझौता के लिए दोनों देशों को तैयार किया, और उसी समझौते के लिए ताशकंद में ताशकंद पैक्ट होता है, तब ताशकंद अलग देश नहीं था, सोवियत संघ का चूंकि विघटन नहीं हुआ था तो उसका हिस्सा था, और ताशकंद में इसलिए बुलाया गया कि दोनों देशों के राजनयिक आएंगे और कोसिजिन जो वहां के प्रमुख हैं वो बीच बचाव करके ठीक से पैक्ट पास हो जाएगा। भारत की जीत उस युद्ध में हो चुकी थी और भारत की हनन, भारत का रसूख
भारत का आत्मविश्वास 1962 वाला नहीं था, वो 65 के बाद की जीत का उत्साह था देश में। और विदेशों को, खास करके अमेरिका और सोवियत संघ को यह लगने लगा था कि ऐसा व्यक्ति अगर बहुत दिनों तक रह गया, क्योंकि वो किसी की सुनते नहीं थे, वो अमेरिका को, वो सोवियत संघ को, वो समाजवादी विचारधारा को या पूंजीवादी विचारधारा को कोई तवज्जो नहीं, वो प्योर डेमोक्रेटिक, जो पूर्ण लोकतांत्रिक होता है, जो जड़ से जुड़ा आदमी होता है, जो जमीन का जुड़ा आदमी होता है, और उन्हें ये पता ही नहीं चलता था कि ये व्यक्ति जो निर्णय ले रहा है वो कितना लोकतांत्रिक है, क्योंकि उसके ऊपर न किसी विचारधारा का प्रभाव पड़ा, क्योंकि उस समय सोवियत संघ कम्युनिस्ट का देश है अभी भी, और अमेरिका पूंजीवादी देश था। भारत की पहचान के लिए शास्त्री जी ने एक जो लोकतांत्रिक हमारी परंपरा है उसको जीवंत करते हुए इतना जीवंत का परिचय दिया था कि जब ताश संघ पैक होता है, 4 तारीख से मीटिंग, 4 जनवरी से शुरू होती है मीटिंग और वो 10 तक चलती है, 10 जनवरी तक, लेकिन देश का दुर्भाग्य ये घटना होती है, उस 10 की रात को पैक होने के बाद रात को 1:30 बजे के आसपास, इसीलिए उस घटना करके 11 बजे भी कहा जाता है, 1:30 या 2 बजे के आसपास सूचना मिलती है, कुलदीप नैयर जी साथ में गए थे उस समय, मीडिया सलाहकार होते थे, उन्होंने लिखा कि हमें यहाँ किसी ने खटखटाया, रूसी महिला थी, कहा तुम्हारे प्रधानमंत्री मर रहे हैं, और ये दौड़ के भाग के जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे कोसिगिन जो सोवियत संघ का वो पहुँच चुके थे, और गांधी जी, शास्त्री जी अचेत पड़े हुए, मृत्यु हो चुकी थी। पूरा देश उनके इस दुखद निधन को सुन के स्तब्ध रह जाता है। अयूब जो कि एक दिन पहले गांधी शास्त्री जी को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यहाँ एक ऐसा व्यक्ति पड़ा हुआ है जो भारत और पाकिस्तान को एक साथ ला सकता था। और जब शास्त्री जी का शव देश में आता है तो कंधा देने के लिए कोसिगिन और अयूब खान भी आते हैं। लेकिन आप कल्पना करिए कि एक स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री रहस्यमय तरीके से विदेश में मृत्यु हो जाती है और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही नहीं। एक सामान्य सा व्यक्ति मरता है तो लोग पोस्टमार्टम करा देते हैं, खास करके संदेह में, भाई प्रधानमंत्री का मरना विदेश में इतना आसान बात नहीं है। अब आप सोचिए कि वो कौन सी परिस्थितियां रही होंगी, क्योंकि इस व्यक्ति ने सिर्फ वैदेशिक राजनीति में नहीं, देश की राजनीति में भी हलचल पैदा कर दिया था कि अगर ऐसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बहुत दिनों तक रह गया तो शायद देश की तस्वीर कुछ और हो। ये जय जवान जय किसान का नारा, ये सिर्फ नारा नहीं है, इन्होंने देश के आत्मविश्वास को आगे लाने के लिए, क्योंकि उस समय जब युद्ध चल रहा था तो अमेरिका ने धमकी दिया कि आप युद्ध बंद करिए, नहीं तो हम आपको PL-480 समझौता एक होता था, उसमें लाल लाल मोटा मोटा गेहूं आता था, भारत को गेहूं आयात करना पड़ता था खाने के लिए, कहा कि आप बंद नहीं करेंगे तो हम ये बंद कर देंगे और आपका पूरा देश भूखा मरेगा, क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में शास्त्री जी के ही देश में खाद्यान्न संकट ऐसा हो गया था कि एक दिन हफ्ते में उपवास की बात की जाने लगी और अपने परिवार को भी उपवास में रखे, और ये कहा कि देश के सभी लोग एक टाइम उपवास करें ताकि अनाज बचे, लेकिन इस समझौते के लिए उन्हें लगने लगा कि हम इसकी घुड़की से अगर दब गए तो उन्होंने देश में जो ग्रीन रिवोल्यूशन से आप हरित क्रांति के नाम से जानते हैं, आज भारत गेहूं निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है, इन्होंने दो बैलों को लेकर के अपने प्रधानमंत्री के आवास के परिसर में जो जगह थी खेती करना शुरू कर दी, और वो देश के लिए एक सिंबल था, व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति, से दुग्ध उत्पादन के नाम से आपको जानते हैं, अमूल देखा होगा, लस्सी पीजिए, दूध पीजिए, छाछ पीजिए, हर जगह उपलब्ध, ये व्हाइट रेवोल्यूशन का दौर ये शास्त्री जी के लिए, देश को उसके अपने पैरों पर, अपने संसाधनों पर, अपनी व्यवस्थाओं पर खड़ा करने का जो
जीवन था, जो जुनून था, जो एक विजन था, दृष्टि था, वो शास्त्री जी में पूरी तरीके से प्रकट होता था। और खास है कि गांधी जी के सपनों का जो भारत था, जो रामराज्य वाला भारत था, जिसमें अंत्योदय था, जिसमें शोषित वंचित पीड़ित दलित हर उस आदमी के लिए एक आवाज थी, बराबरी पर लाना, उसको स्वतंत्रता उपलब्ध कराना, अवसरों की उपलब्धता कराना, ये सारा कुछ उस व्यक्ति के विजन में व्याप्त था। लेकिन विडंबना देखिए कि उस देश का प्रधानमंत्री विदेश में मरता है, निधन हो जाता है, और उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक अभी तक नहीं मिल पाए, पोस्टमार्टम हो ना। और उनके मृत्यु की ऐसी कुछ बुद्धियां हैं, जब राजनायक कमेटी बनी उसने देखना शुरू किया तो उनका जो रसोईया होता था रामनाथ करके था, उस दिन का खाना उसने नहीं बनाया, उस दिन का खाना वीएम कौर, उस समय जो राजनयिक थे सोवियत संघ में भारत के, उनका रसोईया अयूब खान था नाम था उसका, उसने बनाया। वो थर्मस फ्लास्क जिसमें दूध रख करके वो लेके घर से ले गए, उनका दूध आया था उसमें दूध उन्होंने पिया था। और मृत्यु के समय लोग बता रहे हैं, रिपोर्ट में है कि जब लोग पहुंचे, डॉक्टरों की टीम पहुंची तो वो इशारा कर रहे थे कुछ ऐसे उस फ्लास्क की तरफ, उसमें जहर था, उस फ्लास्क की फॉरेंसिक रिपोर्ट तक नहीं ले पाए। अब ये कितना बड़ा देश की विडंबना है। और आने के बाद भी उनके समाधि स्थल बना दिए गए, डाक टिकट जारी कर दिया गया, उनको भारत रत्न दे दिया गया। लेकिन वास्तव में इस युवा पीढ़ी को, आपको, हमको ये महसूस करना होगा, गांधी जी का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता इस देश की माटी के। लेकिन उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले शास्त्री जी, उसको व्यवहारिक पक्ष देने वाले शास्त्री जी, तो गांधी जी की मृत्यु 1948 में जाती है, लेकिन इन्होंने उसका व्यवहारिक रूप दिया। हमेशा हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि गांधी जी तो शायद एक बार मरे, लेकिन कहा जाता है कि शास्त्री जी को कई बार मारा गया, एक बार ताशकंद में और दूसरी बार या बार बार जब जब हमारी स्मृति पटल से उनका विलोपन होता है, उनके कार्य और उनकी यादें हम भूल जाते हैं, तब तब शास्त्री जी की मौत। इस युवा पीढ़ी को, हमको, आपको, आने वाली पीढ़ियों को ये सदैव याद रखना होगा कि इस देश को बनाने में, इस राष्ट्र को बनाने में अनेक सपूतों का योगदान रहा है, लेकिन शास्त्री जी के योगदान को भी हम कम करके नहीं आ सकते। समय की मर्यादा है और इतने बड़े व्यक्तित्व के बारे में हम लोग बहुत कम समय में समेट नहीं सकते हैं। हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग के सब बैठे हुए गुरुदेव को हम लोगों को गांधी जी और शास्त्री जी के चिंतन के बारे में सुनने को मिलेगा। इन्हीं सब अल्प वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पूरे महाविद्यालय परिवार को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि इन्होंने ये गौरव का क्षण हमें दिया। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से शास्त्री जी का योगदान भारत में भुलाया नहीं जा सकता। शस्त्र और शास्त्र दोनों के समर्थक, जहां आवश्यकता पड़ी वहां आत्मसम्मान की रक्षा के लिए व्यक्तिगत जीवन में भी उन्होंने कार्य किया, और जहां पर राष्ट्र रक्षा की बात आई वहां पर उन्होंने भारतीय सेना के संदर्भ में भी अपने विचार दिए। ये सौभाग्य है कि हम शास्त्री जी के उन विचारों से अपने आप को लाभान्वित कर रहे हैं। उनकी के संदर्भ में कुछ बातें अक्सर कही जाती हैं, जो मैंने अक्सर लिखा करता हूँ, तो लिख दिया मैंने कि बर्डर किसी से हाथ मिलाने नहीं गए, तेवर वही है अभी पुराने नहीं। लेकिन साथ ही साथ भारतीय संस्कृति का एक जो दूसरा पक्ष है कि जब भी गए तो बैठ गए पांव के तले, ये हमारी संस्कृति है। जब भी गए तो बैठ गए पांव के तले, गलती से भी बड़ों के सिरहाने नहीं। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं विचार के साथ मैं अगले क्रम में गांधी भजन के लिए महाविद्यालय की छात्राओं को आमंत्रित करता हूं। राघव राजा राम पति
रघुपति राघव राजा राम,
पवित्र शिक्षा यही रही है कि पहले फिर आत्मरक्षा। किसी को जीने वाले, अपने जीवन को जीवन में व्यवहारिक रूप देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पर अपने उद्बोधन से हम सभी को मार्गदर्शित करने के लिए, अपनी ज्ञान रूपी गंगा से हम सभी को सींचने के लिए मैं अगले क्रम में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर रामदेव शुक्ल सर को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम सभी को ज्ञान रूपी गंगा से सिंच करें। वो वहाँ ह्यूमन फूड के लिए नहीं था,
आदमी के खाने के लिए होता था, सुअर के खाने के लिए होता था। इतने बड़े बड़े मक्का और गेहूं भी उस तरह तैयार किया हो और उसके तहत जो अनाज भेजे जाते थे भूखो मर रहे देशों को, उनको भूख से मरता हुआ देश कहा जाता। उसी में आप जो लोग गाँव से संबंधित हैं वो जानते होंगे कि गेहूं की फसल बोई जाती है, आज भी वो कोई तरह इरिगेट नहीं हुई है, एक वनस्पति है जो बिल्कुल गेहूं की तरह उगती है, सारे पत्ते वत्ते गेहूं की तरह होते हैं और जब वो उसमें फूल आ जाते हैं तो आज पता चलता है कि वो गेहूं से भिन्न है। तो हमारे गांव के लोग कहते हैं गेहूं का मामा। वो उसको बाद में कुछ राजनीतिक लोगों ने कहना शुरू किया दिस इज कांग्रेस ग्रास, कांग्रेस घास गई। अब भी हो है पूरी तरह वो खत्म नहीं हुई, सफेद फूल आते हैं उसमें छोटे छोटे सफेद फूल और वो जहरीले होते हैं, उनको अगर आप सूख लीजिए तो क्षति करने वाले। ये उसी PA480 की देन थी। सभी देशों में जो बहुत सारे ये केवल हिंदुस्तान के सामने नहीं था, समय लगेगा मैं बताऊँ आपको कि पूरी दुनिया की गेहूं का अभाव था, क्योंकि गेहूं मैं उसके विवरण में प्राचीन भारत से तो नहीं जाऊंगा, बीज कभी मौका मिला तो आपको बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल उसका संक्षिप्त रूप ये है कि एक जर्मन साइंटिस्ट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग ने गेहूं की जो एक कमजोरी थी कि जो सारी एनर्जी उसकी थी वो उसके डंठल के बढ़ने में खर्च हो जाती, डंठल खूब बढ़ता था और बालियां छोटी हो। ये पूरी दुनिया में नॉर्मन बोरलॉग का की देन थी कि उन्होंने ऐसी रिसर्च की जेनेटिक लेवल पर कि गेहूं के पौधे की सारी एनर्जी पौधों के आकार को छोटा करने और बालियों के आकार को बड़ा करने। ये नॉर्मन बोरलॉग का भारी योगदान था पूरी दुनिया के लिए और ये हुआ वही 64-65 में के आसपास, उनकी रिसर्च आई थी 60 के आसपास और 64-65 में से वो पूरी दुनिया में प्रोडक्शन होने लगा। एक कारण ये था और दूसरा कारण ये था कि हमारे देश की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी हथियार बनाने वाले, उसमें होजरी के सामान बनाए जाने लगे थे। क्यों ऐसा हुआ था ये आपके रिसर्च का विषय? शास्त्री जी ने जो भी किया, देखिए डेमोक्रेसी लोकतंत्र या कोई भी तंत्र इससे विकसित होता है कि जो सबसे ऊपर का आदमी है वो त्याग कितना करता है और त्याग अपने स्तर पर। शास्त्री जी ने पहला उसका समाधान निकाला अपने ऊपर अपने परिवार के ऊपर, कहा कि सोमवार का दिन निश्चित करता हूँ कि जब भर भारतवासी शाम को रोटी खाना छोड़ और 90% से ज्यादा लोग उन दिनों इन्होंने प्रण कर लिया कि रात में रोटी नहीं खाएंगे सोमवार। आप कल्पना करो कि कितना गेहूं बचता होगा सिर्फ एक समय के में भोजन में रोटी के ना होने से। मुझे ध्यान है कि कभी कभी कोई अतिथि भी आते थे और अगर सोमवार हुआ तो कहते थे कि रोटी तो आपके यहाँ बनेगी नहीं। ये तरीका था शास्त्री का। अब एक बात और कहते मैं शास्त्री को संकलन करना जो कि कहीं लिखा नहीं है, इतिहास में नहीं है कि 1942 की घटना है
ऐसी घटनाएं इतिहास में आती रही हैं। मुझे सोचना है तो सिर्फ इसलिए कि मैं एक ऐसे परिवार से संबद्ध था लखनऊ के, जो उस समय लखनऊ में जो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, 42 का आंदोलन चल रहा था। इलाहाबाद के कांग्रेस के संगठन ने अपने कोषाध्यक्ष के पास 600 रुपया भेजने के लिए एक आदमी की तलाश की, जो ब्रिटिश सिपाहियों से बचता हुआ लखनऊ तक ये रुपए ले जाए, और उसमें अधिकांश रुपए सिक्के वाले थे। पैदल जाना था और उतनी बड़ी राशि कैसे लेना इसका भी मामला था। लाल बहादुर शास्त्री को पता गया तो साधारण कांग्रेस के स्वयंसेवक थे, उन्हें उन्होंने वो सारी रकम, एक पहले होता था उन दिनों जोड़ा कहते थे उसको, एक जाल सा बना हुआ मेरे होता था, उसमें रुपए भर के कमल में बांध दिया था, डोड़ा कहते थे उसको देसी बोल जाए। लाल बहादुर शास्त्री ने वो रुपये बांधे और किसी सड़क मार्ग से किसी सवारी से जाने का खतरा था, हर कदम पर जासूस खड़ा था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, कंपनी का के आंदोलन में भाग लेने वाले मिल जाए। शास्त्री रेल लाइन, रेल लाइन के किनारे किनारे 3 दिन 3 रात को चलते रहे और लखनऊ पहुँच कर उनको उनके घर पहुँचे, जहाँ उनको वो रुपये दिया गया, उनको रुपये सौंपा और बेहोश हो गए। उन्होंने अपने परिचारकों से कहा तुम पहले करो खाना बनाओ और तब इसको जगाया जाए। भोजन बनाया, उन्होंने शास्त्री जी को जगा कर जबरदस्ती मंगाया गया और कहा कि खाना खाओ। खाना खाते खाते शास्त्री सो गए और 2 दिन तक सोते गए। बचा क्या था शरीर में से गाड़ पा गए। जब वो उठे तो पूछा उन्होंने कि तुमने अपनी ये दुर्गति क्यों कर ली, तुमने क्या किया। उनका कि तुम 3 दिन तक मुख्य पैसे कहीं नल और मिल जाता था पानी पी लेते हो गए। तो उनका कि आखिर तुमने क्यों 3 दिन तक तुम बिना खाए क्यों। तो बोले कि क्या खा था, तो बस तो कुछ खा ली। तो बोले माता ने रुपये थे, उन्होंने कहा थे वो रुपये हमारे थोड़े वो रुपये बाकी थे और उनको मैं अपने भोजन के लिए कैसे कर सकता। ये फॉरेंटी कानून उनका खड़ा रह गया, उसके बाद नहीं आया भारत जो जहरीला मक्का हो गया। बाकी बहुत सारी चीज़ें पढ़ने बताई और बहुत सारी बताने के मैं ये कहते हैं कंक्लूड कर दूँ उसको, ये जानबूझ के शास्त्री जी के प्रति कैसे किया गया और गांधी जी के लिए कैसे किया गया। शुरू में मैंने कहा हमारा दोनों को गया, एक को देश विदेश माना गया, दूसरे को देश माना गया, मानने वाले दोनों नहीं थे। और जाहिर है कि जब कोई तंत्र अपने भीतरी संरचना में तानाशाही भावनाओं से युक्त होता है, ये इतिहास में इसे अब मैं दूसरे व्यक्ति पढ़ाता हूँ जिनके बारे में आज ही अखबार में देखा मैंने कि किसी नेता जी का बयान था कि
गांधी व्यक्ति नहीं विचार थे, ऐसे हमारे नेता जो बोलते हैं विचार तो भाग्य के मारे हुए ये नहीं जानते हैं कि क्या बोल रहे हैं, जो हम कह रहे हैं तो किसी ने सुना हो गया, किसी ने कह दिया फला व्यक्ति नहीं संस्था थे, जैसे हम लोग कह देते हैं जयराम जी के बारे में, किसी के बारे में व्यक्ति नहीं संस्था थे। गांधी जी का एक वाक्य है खादी के बारे में, आदि खद्दर मेन हाथ से आके है ना, तो उन्होंने एक बात कहा था कि खादी वस्त्र नहीं विचार, हमारे भीतर ये फीलिंग होनी चाहिए कि हम जो कुछ खाते हैं पहनते हैं बर्ताव करते हैं उसमें शुद्ध रूप से आत्मनिर्भर, हमारा छोटा एक छोटी सी किताब है गांधी जी कहीं मिले पढ़िएगा क्या मेरे सपनों का भारत, उनके मरने के बाद वो भविष्य हुए लोगों ने बहुत मेहनत करते हैं लोग, लोगों ने उनकी किताबों से उनके भाषणों से जो देखा करते थे सपना कैसा हो रहा था उसको कलेक्ट करके वो किताब बनाई है मेरे सपनों का भारत। उनके सपनों के भारत में जो सबसे पहली चीज थी कि तुमको आत्मनिर्भर होना, भारत इसलिए दुनिया के दूसरे देशों से समृद्ध था हमेशा कि वो आत्मनिर्भर। एक बात हम लोग भूल जाते हैं किसी विषय पर बात करते हुए कि इकॉनमी जो अर्थतंत्र है वह किसी देश की रीढ़ है, ध्यान रखिए धर्म संस्कृति विचार साहित्य सब उसके साथ उसके बिना नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब भारत में अपने पांव जमा लिए अकबर के जमाने में, अकबर के जमाने में तो मिला नहीं, तो सर थॉमस रो घूमता रह गया इंग्लैंड का महारानी का दूत था कि अकबर से ये परमिशन ले ले कि हम हिंदुस्तान में व्यापार करें, घास नहीं डाले अकबर के मरने के बाद और 15 साल बाद जहांगीर पहली बार घूमता रहा, जहांगीर जहां जहां जाते थे कश्मीर तो वहां जाता था तमाम मतलब लेके कहीं घास नहीं मिली। अहमदाबाद में पहली बार सर थॉमस रो को अपने दरबार में घुसने की इजाजत दी जाएंगे ठीक है आओ क्या कहना चाहते हैं, बहुत सारा गिर सोना वोना लेके पहुंचा दरबार में और कहा कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान हम हमारी कंपनी तजारत करने व्यापार करने के आदेश होता है। तो सूरत में जो उस वक्त प्रतीक था राजा जहांगीर का तो उसके नाम एक रुकता लिख गया कि सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनियां इंग्लैंड तीन और थी, ईस्ट इंडिया कंपनियां फ्रांस से पुर्तगाल से वहाँ डेनमार्क कॉलेज थी थाईलैंड में, तो कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनियां इंग्लैंड को हिंदुस्तान की तजारत करने की सूरत में तुम्हारा सूरत में इनको एक गुलाम बनाने की इजाजत दी जाए। वहां पे वो उसको मिली सूरत में उसको गुलाम बनाया और एक मजेदार बात तुम बताइए सूती जो मल के खाते जानते हो उसका नाम सूती क्यों पड़ा, इसलिए कि तंबाकू भी ले आए थे इंग्लैंड से, तंबाकू हमारे देश की चीज नहीं थी हमारे आगे दवा के लिए बनती थी उसको ऐसे खाया जाता है ये रिवाज नहीं। तो सूरत के गोदाम में यूरोप से आई हुई जो चीज रखी रहती थी उसको कहा सूरती सूरत वाली और सूरती से सूती हो गई और सूती बनने और खाने लगे। तो इस तरह उनको जरा सा पांव रखने की जगह हमारे देश में मिली, इतना भी अंग्रेजों के बराबर
अहंकार जाति जिसको भूत कहते हैं पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। क्या कर सकते हैं वो, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए इतना जरा सा देश और पूरी दुनिया पर वो शासन करता रहा लगभग 200 वर्ष, जिसमें वो जानते हो मुहावरा के अंग्रेजी राज में सूरज नहीं डूबता, पर सूरज ऐसा तो है नहीं, कहीं कहीं तो रहता ही है पूरे ग्लोब पर, तो और पूरे ग्लोब पर उसका शासन उसकी भूतता करना। उनको अंदाज नहीं था कि हम जिस देश को ऐसे प्रबंध तंत्र में, ऐसे शिक्षा तंत्र में ले रहे हैं जिससे अनंत काल तक हम उस पर शासन कर सकें। ये वाक्य मैक्स मुलर का, नाम सुना हो मैक्स मुलर का, मैक्स मुलर एक जर्मन विद्वान थे बहुत बड़े, जिनको आदरपूर्वक हमारे यहाँ के उस समय के बड़े विद्वान थे आचार्य महावीर साहब, जिन्होंने हिंदी को एक नया स्वरूप दिया सरस्वती पत्रिका के माध्यम से। तो वो कहते थे मोक्ष मुलर भट्ट, मैक्स मुलर, उसने किताब लिखी है पढ़नी चाहिए आपको, व्हाट इंडिया कैन टीच अस, इंग्लिश लोगों को संबोधित करके मैक्स मुलर की किताब है, भारत में क्या सिखा सकता है। और आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि वैदिक साहित्य के बारे में जितनी गहरी जानकारी उसने प्राप्त की थी वो हमारे देश के 1% विद्वान लोगों को भी नहीं होती, अब भी नहीं होती। कुछ परिवार साउथ में हैं जो अपने बच्चों को हमेशा के लिए केवल वेद की किसी शाखा से जोड़ देते हैं और वो शुरू से ही वही करते हैं, वही सीख तैयार करते हैं। तो मैक्स मुलर ने ऋग्वेद का अनुवाद किया। मैक्स मुलर और बहुत सारे विद्वान जो हिंदुस्तान पर काम कर रहे थे वे कभी भारत आए नहीं, मैक्स मुलर भी नहीं है। मैक्स मुलर जर्मन थे, विवाह नहीं किया था उन्होंने, वो ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी ऑफ लंदन उसका रहते, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, आप दुनिया के किसी विषय पर काम करना चाहें वहाँ किताबें आपको मिल जाएंगी, उसी में रहते थे और रात दिन, और उनका वेतन था 50,000 पाउंड एक साल का, आप आज के रुपए से जोड़िए तो अरबों रुपए होगा। आए नहीं कभी हिंदुस्तान, हिंदुस्तान पर काम कर रहे थे इसलिए अपनी भारतीय मुद्रा में उनको इतना वेतन दिया। जिस दिन उन्होंने ऋग्वेद की अपनी किताब अनुवाद वाली तैयार की, ऋग्वेद को संपादित किया और उसकी भूमिका ली और उसकी भूमिका में लिखा उन्होंने के डेडिकेटेड टू द मोस्ट ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द मोस्ट ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम एंड बाय देयर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट मैक्स मुलर, ये उसके उसमें लिखा मेरे समर्पण में। और उसी रात अपनी बहन को पत्र लिखा जर्मनी में थी, ये तो लंदन में थे, उसमें उन्होंने लिखा कि आज मैंने हिंदुओं के एक ऐसी किताब का संपादन और अनुवाद किया है जिसके निर्देशानुसार चलने पर हम अंग्रेज लोग हिंदुस्तान पर अनंत काल तक राज्य कर सकते हैं। मैं खाली का कुछ बोर्ड पर भी लिखा हुआ जो उसने लिखा था कि हम हिंदुस्तान के लिए एक नई शिक्षा नीति बना रहे हैं, पढ़ गए क्या होगा। लेकिन ये सारी बातें गांधी के प्रसंग से सीधे देखे होती हैं इसलिए मैं इनको खत्म कर रहा हूँ और आपको गांधी की ओर ले चल रहा हूँ। गांधी
आप जानते हैं कि पूरे साहब थे तो गए थे इंग्लैंड में पढ़ने के लिए, वहाँ रुके की डिग्री लेने के लिए, और बिल्कुल वही सब टाइम के खाते पीते थे, सब उनके उनका जीवन पढ़ाई हुआ आपने के किस तरह हमारे देश में शिक्षा और ज्ञान कैसे मिलता। आपने सुना होगा कि पोरबंदर के राजा के दीवान थे करमचंद, ये शायद नहीं मालूम होगा कि वो निरीक्षण दीवान राजा का दीवान निरीक्षण दस्तक नहीं करते, पढ़े लिखे नहीं, लेकिन उनके पिता और उनकी दोनों की विशेषता थी कि राजकार का सारा आर्थिक तंत्र को उनकी उंगलियों में जवानी याद रखा, उसके लिखने की जरूरत नहीं। और वो हाल उनकी माता गांधी की पुतली बाई का, वो अपने आचरण में जैन थी, जैन उन्हीं की शिष्या थी, और राजकोट के दीवान रहते हुए उनके बच्चे बच्चे वगैरह आप जानते हैं सब तक किस तरह गांधी ने अपने को कैसे सारे भाइयों को छोड़कर अकेले इनको भेजा गया विरोध युवा परिवार में, वहाँ पर वो बने रुके और वकालत बिल्कुल नहीं चलने वाली थी, एक केस में पड़े हुए बोलने के लिए वो मजाक के तौर पर कहा जाता है कि इन्होंने कहा कि कहते हैं अंग्रेजी में एक तरीका है बात करने का, मैं ऐसा सोचता हूँ जब मैं ऐसा मानता हूँ जिसे हिंदी में कहते हैं, तो अंग्रेजी में कहते हैं कि आई कैन सी, मैं ऐसा ऐसी अवधारणा और कैन सी का एक अर्थ होता है गर्व धारण करना। तीन बार कहा गांधी पहली बार गए थे कचहरी में आई कैन सी, आगे का शब्द नहीं सूझा, फिर कहा आई कैन सी, तीसरी बार कहा आई कैन सी, एक महिला को उसने कहा मिस्टर गांधी यू कंसीव थ्राइस बट डिलीवर नथिंग, तीन बार आपने गर्भधारण किया पहला कुछ नहीं, ताली बज गई बैठ गए। फिर यहाँ राजकोट में कोशिश की केस के लिए, बम्बई कोर्ट में नहीं चला, तो एक मुसलमान थे गोरा मुसलमान थे बम्बई के, जिनका बहुत बड़ा व्यापार था दक्षिण अफ्रीका, उस जमाने में लाखों रुपए के केसेस थे, तो उन्होंने कहा तुम ऐसा करो 1,000 पाउंड मैं तुमको साल का दूंगा, और चलो हमारे साथ, हमारे जो मुकदमे हैं वो उनको अंग्रेजी में तो हमारे जो वकील होंगे वहाँ को उनको समझा देते हैं, वो गए थे वहाँ, बाकी सब क्या हुआ जानते हैं। लेकिन विजन उनका कैसे बना, गांधी का विजन कैसे बना, गांधी के जो दो तीन गुरु लोग थे उसमें तो इस अंत्योदय का बार बार नाम लेते हैं और जानते नहीं हैं लोग ज़्यादातर कि अंत्योदय का कंसेप्ट किसका है। गांधी के तीन गुरुओं में रस्किन, रस्किन की एक छोटी सी किताब है अंत्योदय लास्ट, जो छोटा जो सबसे कमजोर आदमी है समाज का मनुष्यता का उसके लिए, उसको दूसरे गुरु थे उनके टॉल्स्टॉय जो रूस के, और कई बार लगता है रूस के लिए दुनिया भर के सबसे बड़े साहित्यकार, उन्होंने वर्ल्ड वॉर एंड पीस अन्ना करेना रिजेक्शन जैसे नॉवेल्स लिखे। तो जो दक्षिण अफ्रीका में फार्म बनाया उन्होंने चार्टर आश्रम, तो उसका नाम रखा टॉल्स्टॉय आश्रम क्योंकि उनको गुरु की तरह मानते। वहीं कस्तूरबा से झगड़ा हुआ क्योंकि वहाँ तक ये तो था नहीं जो जैसे आजकल शौचालय व्यवस्था है, उसी कमरे में बाल्टी रखी रहती थी उसमें से करना होता था फिर उसको साफ करें, मेहमान नहीं कहा जाते थे तो गांधी कहते थे कस्तूरबा से साफ करो, वो कहती मैं इतने लोगों का काम ऐसे नहीं साफ करूँ, गांधी क्रोध के लिए बड़े पक्के मित्र थे
एक बार कह दिया कि नहीं गुरु तुम छोड़ चले जाओ मान कर, तो कस्तूरबा ने कहा तुम्हारे घर अब छोड़ कैसे जा सकते, घर मेरा भी है कहाँ जाऊंगे। कस्तूरबा का की बड़ी भूमिका है गांधी के जो गांधी जो विमर्श करते हैं, फिर साधारण भूमिका नहीं कस्तूरबा। तो अब अंग्रेज बहादुर को ये कल्पना नहीं हो सकती थी कि ऐसे आदमी से हम प्रकार मिल जाए, इसलिए गांधी ने जो कुछ मार्ग अपनाया वो पहली बात तो ये कि वो भारतीय परंपरा से अर्जित था। परंपरा से अर्जित था मतलब जैसे वो कहते थे कि जो मैं शुरू कर रहा था मेरे सपनों को भारत में कि हिंदुस्तान का जो सबसे अच्छा भारतीय है वो गांव में है, और गांव की विशेषता यह है कि वो नमक के अलावा कोई चीज बाहर से खरीदता नहीं है, तो नमक तो गांव में नहीं मिलता, खरीद नहीं पड़ता है, तो नमक खरीदता है और बाकी सब चीज गांव का जो जूता बनाने वाला जूता बनाता है, लोहार बड़े ही सारे हथियार बनाते हैं, खुलकर कपड़ा बन देता है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं था जो गांव में अब हमारी जरूरत की चीज नहीं बन जाती। तो कहते थे ऐसा होना चाहिए था, और ये मंत्र देते थे वो बराबर कांग्रेसी लोगों को जिनमें पाखंड शुरू से ही घुस गया हुआ। तो आत्मनिर्भरता और वो उन्होंने सीखी सिख परंपरा से उनका गांव, और फिर एक शब्द पर पकड़ा उन्होंने अहिंसा। अहिंसा मतलब हिंसा का उल्टा नहीं है, हम पाश्चात्य मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो आप जानते होंगे जो आपने मनोविज्ञान के विद्यार्थी हैं कि दो प्रवृत्तियां पैदाइश से ही मनुष्य में होती, जब वो गर्भ से बाहर आता है तो उसी समय दो इंस्टिंक्ट्स उसकी बनावट पर घुस जाती है, टू लव एंड टू किल, एक को हेरास कहते हैं दूसरे को थैंटास कहते हैं। प्रेम करने की इच्छा, हम किसी को प्रेम करें उसके लिए अपना सब कुछ नुकसान करते हैं, और दूसरा टू किल मारना, और ये दोनों एक ही सिक्के के दो हैं। ये मनुष्य में ये जन्मजात प्रवृत्तियां, आगे मनुष्य का सारा विकास इन्हीं प्रवृत्तियों के बैलेंस में होता है, जो केवल फैंटास की ओर बढ़ता है वो डाकू होता है, और जो केवल एरास की ओर बढ़ता है वो पागल होता है या प्रेमी होता है। तो जो सामान्य व्यक्ति है वो नॉर्मल जो दोनों के पहले संतुलन अहिंसा गांधी ने इस तरह प्रकाशित किया, जैसे हमारे गोरखपुर से ही संबंध है उस योगी का, बड़ी पॉपुलर किताब है दुनिया भर में आप बायोग्राफी योगी योगी यथामृत परमहंस योगानंद, उनके बाद यही रेलवे में थे जहां योगानंद का जन्म हुआ। योगानंद ने एक घटना का उल्लेख किया अपने गुरु के बारे में कि एक बार वो ध्यान करने के लिए बैठे हुए थे, अचानक उनके उनको लगा कि उनके उनकी जान पर एक मच्छर बैठ गया। अब उनका जो हाथ उठा उसको मार देने के लिए, फिर रोक लिया उनके गुरु सामने बैठे हुए जिनके निर्देशन में कर रहे थे, उन्होंने कहा कि क्यों तुमने हाथ को उठाया तो मार क्यों नहीं दिया उस मच्छर। तो पूछा कि तो उन्होंने कहा मुझे क्या लगे नहीं मारना, तो उनके गुरु गिरी उनका हिंसा तो तुम कर चुके, जब ही हाथ उठा तुम्हारा यानी एक बार मारने के लिए सोच लिया मार दिया तुम हिंसा तो करी, अब दूसरा स्टेप है कि उसको
यह लेवल था महात्मा गांधी। हिंसा ये नहीं है कि आप किसी को नहीं मानते, हिंसा ये है कि आप उसके बारे में प्रतिकूल सोचते थे। गांधी का मानना ये था कि आप जानते हैं कि वो गए थे कॉन्फ्रेंस में लंदन में, तो उन्होंने कहा कि मैं मैनचेस्टर के मजदूरों से मिलना चाहता था जो वर्कर थे वहां, क्योंकि सबसे बड़ी शत्रुता उन्हीं से थी गांधी की। यानी जैसा इतिहास समझाता है कि मैनचेस्टर के मजदूरों की रोजी रोटी बंद हो गई, गांधी ने स्वदेशी का आंदोलन चलाया, कपड़ा नहीं लेके हम तुम्हारा नुकसान होता हुआ, तो गांधी ने कहा हम मिलेंगे मजदूरों से। तो लोगों ने वहाँ के लोगों ने भी यहाँ के भी लोगों समझाया कि नहीं वो आप मार सकते हैं या आपको आपके साथ मिसबिहेव कर सकते हैं, आप मत जाइए। गांधी ने कहा नहीं, आई डोंट फील कि वो हमारे साथ हिंसा करें। गैर मजदूरों से मिले, मजदूरों ने कहा मिस्टर गांधी आपसे मुझे हम लोगों को कोई शिकायत नहीं, आप अपने देश के लिए वही कर रहे थे जो हम लोग अपने देश के लिए करना चाहते थे। ये लेवल था महात्मा गांधी की हिंसा अहिंसा। और इसीलिए आप जानते हैं इतिहास सब नोट करते हैं कि जब उनकी समझ में ये आया कि ये अंग्रेज एक सूत्र है जिससे परास्त होकर भाग जाएगा, नमक पर ये दुनिया भर के टैक्स लगाता है, नमक जो कि हम बना नहीं सकते गांव में, तो उन्होंने दांडी मार्च किया। ये गांधी के आंदोलन का सबसे बड़ा सक्रिय सूत्र था जो अहिंसात्मक ढंग से वो जो एक नॉन कोऑपरेशन वाला असहयोग आंदोलन का मामला था, उनका चलो हम नमक बनाए। और बाकी तो उसका इतिहास पढ़िए आप दांडी का, कैसे तो चलते चले गए, बाकी गांधी इतने तेज चलते थे कि उनके साथ बड़े बड़े लोग चल नहीं पाते, दौड़ना पड़ता था। तो नमक बना के दिखाया और ब्रिटिश गवर्नमेंट की समझ में पहली बार आया, गांव-गांव में बनने लगा नमक झूठे, जहाँ जिस गांव के पानी में कोई नमक नहीं था उसको भी कड़ाई पानी भर के उबालते थे नमक बना है पूरा देश। तो इस तरह का उनका जो क्या कहिए उनकी जो अवधारणा थी वो बेसिक स्तर कभी एम ह्यूमन नहीं। अंग्रेज जाए यहां से वो कहते थे कि हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि अंग्रेज जाए, वो जाए इसलिए कि वो हमारे देश को कंगाल कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। और एक बात जो मैंने आर्थिक तंत्र की उठाई थी, आपको ये जानना चाहिए, बहुत सारे लोग आप जानते होंगे, जब अकबर के जमाने में आया था ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व हो गया था, तो पूरी दुनिया की जो इकॉनमी थी अर्थतंत्र उसमें हिंदुस्तान का हिस्सा था 28% आर्थिक जीडीपी जिसको आप कहते हैं वो हिंदुस्तान का। और चीन और इधर के देशों के लिए एशिया के देशों को ले लिया जाए तो वो परसेंटेज 60% से ऊपर था। आप सोच सकते हैं कि यूरोप के देश कितने गरीब कर रहे हैं, अमेरिका का तो उनका पहला भी नहीं हुआ। तो और जब अच्छा 3 मिनट बचे मैं खत्म कर देता हूँ, इन्होंने लिखा है कि सर 3 मिनट बचे। तो जब जाने लगी ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से 1947 में, इस पर सोचो जिंदगी भर सोचने का विषय है कि तब हिंदुस्तान की जो का योगदान है टोटल अर्थतंत्र में 2% हो गया। इतना बड़ा शोषण हमारे इसका हुआ, शिक्षा का उन्होंने क्या किया, संस्कृति का क्या किया, ये सब तो आप जानते हैं। तो मैं बस यही मैं खत्म करता हूँ कि वो महात्मा गांधी एक ऐसे समग्र हैं कि जिनके सामने लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर जो कंप्यूटर को विचारना होना बड़ा स्वाभाविक है, लेकिन समुद्र के सामने इस छोटी कलैया पर क्या करें। अब ये दूसरी बात है कि प्यासा आदमी
समुद्र का पानी पी के प्यास नहीं बुझाता, उसको तलैया का पानी पीना पड़ता। तो दोनों के महत्व अलग अलग हैं, इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है कि शास्त्री जी चर्चा कम होती है, गांधी जी पर ज्यादा होती है। ये फर्क है दोनों का। ये जरूर है कि प्यास बुझाने का काम लाल बहादुर शास्त्री कर सकते हैं और आपके जीवन को उदात्त बनाने का, सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का काम महात्मा गांधी कर सकते हैं। धन्यवाद। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी पर आपके द्वारा बताई गई कुछ ऐसी बातें हैं जो निश्चित रूप से पुस्तकीय ज्ञान से लेकर है, बहुत सारी ऐसी चीजें मालूम चली जो अभी तक शायद मैंने भी अध्ययन नहीं किया था, और विद्यार्थियों को भी इसकी जानकारी हुई, इस सभागार में सभी को इस पक्ष की जानकारी हुई, हमारा ज्ञानवर्धन हुआ। निश्चित रूप से हम आपके आभारी हैं। अगले क्रम में मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय के उपाचार्य डॉक्टर विजय कुमार चौधरी सर से आग्रह करूंगा कि वह अध्यक्ष उद्बोधन और आभार ज्ञापन मंच पर। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत दो महान विभूतियों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के जयंती के अवसर पर मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथ ही इस कार्यक्रम में गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष और हिंदी जगत के मुहान विद्वान का मार्गदर्शन अभी हमें प्राप्त हुआ। मैं आपका महाविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी तरफ से सब सब नमन करता हूँ। साथ ही हमारे परिवार के एक अंग और इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर कुमार पाठक जी का मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनके प्रति भी नमन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे श्री अभिषेक त्रिपाठी जी, कार्यक्रम के संयोजक श्री सिद्धार्थ कुमार शुक्ल जी, सभागार में उपस्थित सम्मानित शिक्षकगण, प्रिय विद्यार्थी, अभी विद्वान द्वय के विचारों से आप सभी लोग अवगत हुए और निश्चित ही हम सभी कुछ ऐसे दोनों महान विभूतियों के अनछुए पात्रों को आप सभी लोगों से पाया जो हमको शायद पहले प्राप्त नहीं था, हमारा ज्ञान वर्धन हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बहुत कुछ अभी आप लोगों ने पाठक जी से सुना, आपने देखा कि वह सरलता, सहजता, सादगी, दृढ़ निश्चयवादी और अपने अटूट विचार तथा कर्तव्य निष्ठा के लिए जाने जाने वाले महान भारतीय सपूत रहे हैं। उन्होंने भारत को एक विजन दिया है, एक दिशा दी है और ऐसे समय पर उन्होंने भारत को संभाला है जब भारत अपने आंतरिक और बाहरी समस्याओं से जूझ रहा था और उन्होंने इससे बचने के लिए एक मंत्र दिया उस समय, जय जवान जय किसान। भारत को उन्होंने उबारा, भारत को बचाया भी अपने महान दृष्टिकोण से और एक रास्ते पर डालने का उन्होंने भरसक प्रयास किया। आज हम सभी थोड़ा ही सही उनके उस पर, उनके उस विजन पर, उनके उस बढ़ाए हुए कदम पर आगे बढ़ते हुए भारत को इस स्थिति में लेकर मौजूद हैं या इस स्थिति में हम सभी हैं।
दूसरा, कहा जाता है कि गांधी ना होते तो भारत ना होता, ऐसा तमाम जगहों पर तमाम महान योगियों द्वारा कहा गया है, जिनके भजन को अभी आप लोगों ने देखा, रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम, प्यारे बापू कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे बापू, ऐसे राष्ट्रपिता, जिसके बारे में अभी दोनों महान योगियों ने, दोनों विद्वानों ने हम सभी के समक्ष अपने विचार रखे हैं। आप सभी गांधी, खादी, भारत, सत्य, अहिंसा, बराबरी, समता, जात पात, छुआछूत, आर्थिक स्वावलंबन, ग्रामीण अर्थतंत्र की अवधारणा, सबका विकास और साथ में यदि सबका विकास तो भारत का भी विकास निश्चित है, इनकी अवधारणा था, इनका दृष्टिकोण था और इसके लिए इन्होंने सतत प्रयास किया। दो तरीके की विभूतियाँ होती हैं, एक दूसरे को दशा और दिशा देती है और दूसरी जो महान विभूतियाँ होती हैं वो दशा और दिशा देने के साथ ही साथ स्वयं कर्म करते हुए मार्गदर्शन भी प्रदान करती हैं। महात्मा गांधी ऐसे ही एक महान विभूति इस भारत को प्राप्त हो चुके हैं, जो स्वयं सूत काटते थे, स्वयं और सारे भारत से उन्होंने सूत कटवाया और भारत को एक नया दृष्टिकोण दिया खादी का। आज भी वह खादी मौजूद है, ये अलग बात है कि गांधी जब मौजूद थे तो उनके खादी का विचार क्या था और आज उसको धारण करने वाले महान विभूतियों के खादी का विचार क्या है। एक समय और देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलता और बिगड़ता रहता, फिलहाल हम सभी लोगों को इन दोनों महान विभूतियों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए और इन लोगों के विचारों को थोड़ा ही सही उसको आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए, उस पर चलने का प्रयास करना चाहिए, चाहे वो सत्य मार्ग का हो, चाहे वह अहिंसा का हो, या आज जो एक महान विडंबना दिखती है हम सभी के बीच में, ऊपर से तो हम स्मूथ दिखाई पड़ते हैं पर आप बहुत सरल दिखाई देते हैं, बहुत सहज दिखाई देते हैं, बहुत एक दूसरे से मिले जुले दिखते हैं, लेकिन अभी भी हमारा आंतरिक जो मन है, हमारा जो विचार है, हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा जो विजन है, वह हमको अलग अलग किए हुए होता है। जैसे हम एक सभा समाज से ऊपर ऊपर अलग विलग होते हैं, वैसे जाति पात हमारे दिमाग में आ ही जाती है और ना चाहे या चाहते हुए भी हम उसके अनुरूप आचरण और व्यवहार करना शुरू करते हैं। छूत अछूत की भावना बहुत समाप्त हो गई है लेकिन अभी भी समाज में है ही। जो ग्रामीण अर्थतंत्र की उनकी कल्पना थी वह एकीकृत हो गई है, वह एकदम मैं समझता हूँ मृत प्राय है और उसके तमाम आगामी परिणाम सभी के समक्ष आने वाले हैं, चाहे वह भारत हो चाहे विश्व हो, आएगा निश्चित आएगा। और विकास की अवधारणा यदि हम वहाँ किए होते, गांधी जी के अनुरूप किए होते, तो जो हमारा सपना आज का चलता है सबका साथ सबका विकास, शायद और अच्छा हुआ होता या और मजबूत होता और सशक्त होता भारत, और आगे अर्थतंत्र में बढ़ा होता और सभी का सहयोग तब भारत को अच्छी तरीके से मिला होता। फिलहाल जो नहीं हुआ नहीं हुआ, हम लोग कहीं ना कहीं उसी तरफ आगे बढ़ते हुए अपने आप को लेकर जाएं, हम लोग अपने आप का विकास करें, हम लोग कोई ना कोई इस ज्ञान विज्ञान के बढ़ते हुए परिवेश में कुछ न कुछ अपने अंदर डेवलप कर दें, कुछ न कुछ अपने अंदर ऐसा विकसित कर दें कि हमारा योगदान समग्र भारत के लिए या भारत के विकास के लिए कहीं न कहीं थोड़ा न थोड़ा जो है उसमें योगदान अवश्य दे सके और भारत को आगे जो है कुछ न करे तो आगे बढ़ने का विचार या आगे बढ़ने का विचार अवश्य आप लोग अपने ऊपर अपने अंदर लाएं, अपने अंदर ये दिलाएंगे। लोग कहते हैं कि विचार ही
पुष्पित होता है, प्रज्वलित होता है, प्रस्फुटित होता है। यदि उत्तम विचार आएगा, सपने अच्छे होंगे, तो निश्चित तौर पर हमारा दृष्टिकोण भी उसी तरीके से होगा। यदि हमारी सोच गलत होगी तो हमारा विजन भी गलत होगा, हमारा दृष्टिकोण भी गलत होगा। इसलिए इन दोनों महान विभूतियों के जयंती के अवसर पर हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि अपने दृष्टिकोण को, अपने विजन को, अपने धारा को, अपने क्रियाकलाप को भारत कैसे आगे बढ़ेगा इसकी तरफ एक कदम हम सोचने और समझने का प्रयास करें। साथ ही साथ मंच पर उपस्थित मैं दोनों अपने महान विद्वत जनों को, विद्वत कण को मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करते हुए नमन करता हूँ। साथ ही साथ आप सभी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी लोग इतने देर तक हम सभी को सुने सहजता और सरलता के साथ, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जितने शिक्षक या हमारे विद्यार्थी लगे हुए थे, सभी को मैं धन्यवाद देते हुए सबके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए जय हिंद, जय भारत।